दिखा सकते हैं, WB11D3152 जो एक तो टाटा की गाड़ी है, ट्रक है, जो यहाँ से गाय का चमड़ा जो हो जाता है उसे यहाँ से संबलपुर होते हुए इसको बंगाल की तरफ जा रहा था। आज यहाँ के कुछ हमारे भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता अब बजरंग दल वालों ने इसको धर दबोचा, क्योंकि जब उन्हें मालूम पड़ा इस गाड़ी में कुछ है जा रहा है तो ये जो चीज़ है गौ माता का जो चमड़ा यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है संबलपुर से होते हुए बाई इंडिया जा रहा है। आज ये जो ग्रेट ऑफ इंडिया ट्रांसपोर्टर है ये जो कर रहा है, आइए आपको दिखा रहे हैं एक झलक आपको, आप खुद देखिए कितना चमड़ा जा रहा है, एक गाड़ी भर की, एक एक गाड़ी पूरी ट्रक के भर के ये जा रहा है। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं भाजपा के कई कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं अश्विनी बाबू, श्री गिरीश पटेल जी और कई जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, चले चलेंगे उनसे पूछेंगे ये जो कार्यक्रम हुआ कैसे मालूम पड़ा और किस तरह उन्होंने इसको धर दबोचा। आज ये जो ठीक हमारे सदर थाना में ये गाड़ी को सीज किया गया, ऐसे खोला गया और देखा गया ये चमड़ा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है मालूम नहीं, लेकिन वेस्ट बंगाल का नंबर है। चले चले मिलेंगे गिरीश पटेल से, उनसे इंटरव्यू लेंगे वो क्या करें। हाँ आइए चले चलते हैं, यहाँ पर गिरीश पटेल जी खड़े हैं। गिरीश पटेल जी एक समाज से भी है लोकल, इसके पहले कुछ दिन पहले भी SP ऑफिस में घेराव भी हुआ था और उन्होंने ये बात भी कही थी, तो SP साहब ने कहा आप हमें बताइए और हम सुन। हाँ सर, आज जो सर एक गाड़ी जो बंगाल का नंबर है संबलपुर होते हुए जा रहा था और आप लोगों ने उसे दर्द पूछा, इसके बारे में बताइए। बात ऐसा है, कल शाम को 5 बजे हमारे पास फ़ोन आया, जो हमारे एक बंधु है, हमारे जो गौहत्या के विरुद्ध में लग रखा है वो, उसने हमें फ़ोन किया कि ऐसे ऐसी बात है और धनपुरा का बाईपास का गाड़ी फंसा हुआ है, उसका चक्का फंसा हुआ है, उसमें से खून गिर रहा है और जहाँ तक उम्मीद है उसमें गाय मांस है बोल के है। आपको मालूम है हम तो बहुत सालों से लग रखे इस मैटर में, तो साथ ही साथ में कुछ लड़कों को लेके वहाँ पे पहुँचा, मैंने देखा ये जो गाड़ी है वेस्ट बंगाल का गाड़ी वहाँ पे ढंसा हुआ था एक तरफ उसका चक्का। मैंने फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस भी वहाँ पे पहुँचे, पुलिस का सहयोग मिला हमको, खास करके थाना की अभी जो अपनी मैडम जो है सदर थाना की, उसको भी साथ ही साथ वहाँ पहुँची। SDPO ने भी हमको कहा था, SDPO भी सब जगह उसने फ़ोन कर दिया। उसके बाद में गाड़ी हम यहाँ पे पुलिस रात को गाड़ी उठा के यहाँ पे लाया है रात को, और आप देख रहे हैं कि जो गाड़ी में कितना ऊपर से तो दिख रहा है सब खाली गाय का चमड़ा है बोल के, लेकिन दुर्भाग्य की बात है दोनों तरफ से खून भी गिरा हुआ है, तो हमें संदेह है कि नीचे में शायद कुछ गाय का मांस भी हो सकता है। और दुख की बात है, हम बारम्बार प्रशासन को सजग करते हैं प्रशासन, लेकिन पहली बार हमको सहयोग किया है उसलिए हम उसको धन्यवाद भी देते हैं, लेकिन ये कंटिन्यू प्रोसेस है, इसको बंद करने से नहीं होगा। संबलपुर म्यूनिसिपालिटी ने काउंसिल रेजोल्यूशंस किया है 2003 में यहाँ पे गाय नहीं कटनी चाहिए बोल के, उसके बावजूद भी यहाँ पे बारंबार गौ हत्या होती है, जो गाय का चमड़ा रहा है बारंबार गौ हत्या होती है आपको मालूम है। और हमारे लोग मेरे हमारे हिसाब से डेली कम से कम 120 गाय संबलपुर में कटती है, तो ये बहुत दुखदायक घटना है। ऐसा होने से ये कुछ आदमी, हम कोई कम्युनिटी को दोष नहीं देते, लेकिन उसमें कुछ आदमी ये बारंबार मैंने प्रशासन का सहयोग लेके ये घटना कर रहे हैं, और इससे इसके द्वारा समूहपुर में एक माहौल भी खराब होता है तथा अशांति का वातावरण भी होता है, तो इससे प्रशासन को इसमें सजग होकर ये जो घटनाएं जो घटती है उसको पूरा बंद करने का उसको चेष्टा और प्रयास करना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में भी और ये घटना और बढ़ जाएगी और समूह का वातावरण अशांत हो जाएगा, इसलिए जैसा भी तो प्रशासन दही होगा, लेकिन अब की बार प्रशासन ने पहली बार हमको सहायता की है तथा तो प्रशासन की तरफ से उचित जो करना चाहिए कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू सर। अभी हमने देखा गिरीश पटेल ने प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, उन्होंने कहा कि हमको जो उन्होंने हेल्प की हम उसके लिए बहुत कृतज्ञ हैं, जो प्रशासन इसी तरह हेल्प करे तो हमारे कई काम भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। हम भी गिरीश पटेल को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, उनको युवा के अध्यक्ष अश्विनी बाबू और सारे को बोली। हाँ सर, हम चाहते हैं प्रशासन इसके ऊपर में पूरा पूरी पदक्षेप ले, और आपको मालूम है संबलपुर में गाय काटने का परमिशन नहीं है, गाय का ड्राइवर अभी हमारे भाई लोगों ने रिकॉर्डिंग किया है वो 2 आदमी का नाम बता रहा है किसका माल है बोल के, संबलपुर से ही माल चढ़ा है। जब संबलपुर में गौ हत्या बंद है, गाय काटने का मना है,
तो गाय समग्र में इतना चमड़ा आया कहाँ से? इतना चमड़ा सर, इतना चमड़ा गाय का चमड़ा कहाँ से? हजारों हजारों की संख्या में होगा। गाय हमारी माँ है, गाय हमारा श्रद्धा का विषय है जी सर, गाय हमारा आस्था का विषय है, और इसके ऊपर में जितने आघात करेंगे ये लोग इतना असुविधा में पड़ेंगे। तो सर ये संबलपुर की गाय है सर, संबलपुर कटी है गाय? तो गाय हमारी माँ है, वो कहीं नहीं, नहीं हो सकती है। आप कहाँ का डाउट? लेकिन एक बात पक्का है कि ये संबलपुर में कट रही है। अच्छा, आपका डाउट है संबलपुर हुआ है तो सर, और संबलपुर में यहाँ पे माल चढ़ा है जी सर। तो सर ये इसमें कौन कौन अरेस्ट हुए? उसको अभी तक तो खाली वो ड्राइवर रखे खाली, हाँ सर, वो ड्राइवर भी खुल के बोल रहे हैं कहाँ से चढ़ा कहाँ चढ़ा बोल के। हम पूरा आशा करते हैं प्रशासन की इसके ऊपर में पूरा तह तक जाए। थैंक यू सर, बहुत पूरा तह तक जाए, ये सब पूरा रिपोर्ट निकल के ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ कट रहा है, चलिए इसमें किसके भागीदारी है, इसमें कौन से दल के आदमी लोगों मिले हुए हैं जी सर। अगर इसका अगर अबकी बार अगर नहीं होता है, प्रशासन हमको बहुत सहयोग किया है और आशा करते हैं आने वाले दिनों भी प्रशासन हमको जरूर सहयोग करेगा। चलिए, हम प्रण लिए हैं, आपको थोड़े दिन पहले भी हमने कहा था, हमारी टीम ने प्रण लिया है कि संबलपुर में हम गो हत्या को भी बंद करवाएंगे, जो 120 गायों का जो दिल्ली कत्ल होता है उसको बंद करवा के छोड़ेंगे। चलिए थैंक यू सर। अभी हमने सुना इसके पहले भी एसपी से कुछ मिले थे, भाजपा के कई युवा नेता भी मिले थे, तब एसपी ने भी कहा था कि आप हमें खबर दो मैं तुरंत एक्शन लूँगा। आज वही एसपी ने अपना सारा कार्यक्रम किया और अपनी बातें को दोहराई। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट।